हमारे पास है मेकअप गुरुज, मेकअप एक्सपर्ट्स, जिनको आप खुद भी देखते हैं तो हैरान हो जाते हो, वाओ ये चेंज कैसे लाए। उनके किए हुए मेकअप्स हमेशा हम सिखवाते हैं आपको, लेकिन आज वो आपको टिप्स देंगे कि अगर आप ये कर लें तो वो हो जाएगा, वो कर लें तो ये हो जाएगा। सो आइए वेलकम करते हैं एंजी मार्शल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? गुड ठाक, बिल्कुल। हमारी मुलाकात जी बिल्कुल आप और हसीन हो गई। मैं बस आप लोग मुझे सिखाते रहते हैं, मैं किसी ना किसी से एक बात। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बीनेश हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बिजी बिजी माशाल्लाह, बिजी बिजी है ना। सुबह आज हम भी आपके सीक्रेट्स रिवील करेंगे। आपने तो जितना आवाम को हमसे मुफ्त में सिखवाया है ना, मैं अब क्या कौन सा कोर्स इंट्रोड्यूस करूं, मुझे ये बताओ। इतनी दुआएं आपको कभी मिली हैं? मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम मॉर्निंग शो पे आपसे देख के कॉन्टोरिंग सीखे, हाँ। आपसे देख के ये सीखे। मैंने कहा सब तो इन्होंने सीख लिया, अब ये कोर्स नहीं लेंगे। नहीं क्यों नहीं लेंगे, आपके करीब आके भी सीखेंगे। और हमारे साथ है अंबर खान, हर फन मौला। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल अच्छा। मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ माशाल्लाह, आमीन, बाकी करना चाहिए। मैं अगर टेक्स्ट भी लिखती हूँ ना, हाँ। तो लिटरली आमीन लिखती हूँ, मतलब उस पे भी माशाल्लाह। हाँ। ये चीजें हैं, मतलब हमें करने चाहिए रोजमर्रा जिंदगी में ना। मैंने हमेशा देखा है अंबर जब भी कहीं भी तैयार होती है, खुद तैयार होके जाती है, बड़ा अच्छा इनका ब्लो ड्राई हुआ हुआ होता है सब कुछ। सब मुझे एक तो आदत नहीं है, सुकून से बैठूं और मुझे अपना ना, मुझे पता है, बस रफली भी करो मुझे पता है मैं क्या, आंखें बंद करके कर सकती हूं। हाँ, कि ये सही लगेगा, चलो ठीक है, बस बेस अच्छा हो गया। कभी मूड होता है डार्क लिपस्टिक, हाँ, तो न्यू आईज, हाँ, और मुझे शौक बहुत है, मतलब लिटरली, मतलब होता है ना, पर अंबर आपने भी जैसे खराब कर करके सही किया होगा ना, अच्छा जब अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके। क्लाइंट्स देखो हर स्किन डिफरेंट रिटेलिएट करती है, तो आते हैं प्रॉब्लम्स, ऐसी वो बात नहीं है। और सबसे ज्यादा जो आता है बेस के अंदर, जब बेस। अच्छा, हम शुरुआत ही एक्चुअली इस टिप से, इस हैक से कर रहे हैं। अक्सर खवातीन जब खुद अपनी बेस करती हैं, नंबर वन ग्रे बेस, यस, नंबर टू फट जाती है बेस, लगाई होती है गायब, लगता ही नहीं बेस किधर गई, ठीक है, और नंबर थ्री केकी बेस, ऐसा लगता है कि पेस्ट्री आपके सामने नहीं रखी, आप खुद हैं। अगर आप बर्थडे में गए आपको काटने का दिल चाहता है, आप केक लग रही होती है, मतलब बाकायदा हस्बैंड कहते हैं यार तुम क्या बन के आ गई हो, सब आप इतना पैसा खर्च करा रहे हैं, आप किसी सैलून जा रहे हैं और आपको खुद अवेयरनेस नहीं है। चलो अपना मेकअप नहीं हर किसी को करना आता, मगर पैसे खर्च करके जब वो सैलून भी जाते हैं, सो जो उनको बन के निकलना चाहिए वहाँ से वो नहीं, पैसा भी जाया और अलग से लकब भी चुड़ैल और पता नहीं कहाँ कहाँ का किस क्या क्या चीज़ बेचारी लेकर आ गई साथ। सो हमने उनको हेल्प आउट करना है कि कम से कम अगर वो खुद मेकअप नहीं कर सकती तो कम से कम उनको जानकारी, मतलब उनको पता तो, जानकारी बोल रही हूँ, मालूमात तो हो ना, कि जो ब्यूटिशियन हमें इतना रेगमाल की तरह घिस के बेस तहे लगा रही है उसको हम रोकें। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.